हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चर्चा वाले चैनल में। सो आज हनुमान जयंती है, तो सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, हैप्पी हनुमान जयंती। तो आज हमारे मोहल्ले के कुछ पोट्टों ने, पोट्टों का मतलब है ग्रुप ऑफ फ्रेंड, तो विदर्भ में ये पोट्टे काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है, तो इसलिए कहते हैं पोट्टों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आज इस डे को कुछ एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी हर जगह फैली हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को फूड सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, इवन हर जगह लॉकडाउन लग चुका है। तो उस कारण हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे फूड पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाए जो कि शायद तक किसी की कुछ भूख मिटा सके। देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है और बात करते हैं पोट्टों से और उन्होंने किस तरीके की पैकेजिंग की है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। चलो शुरू करते हैं आगे की चर्चा। पैकेट में क्या क्या भर रहे हो? एक 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 करते हो। अच्छा, क्या क्या भर रहे हो? ये क्या चीज है? अभी ये सेव मुरमुरा है, थोड़ा चटपटा, और ये एनर्जी के लिए पार्ले जी, और ये फिर से चटपटा अपना क्रैक जैक, और ये तीन के लिए हेल्थ के लिए केले और पानी बॉटल है। आज हनुमान जयंती है, हमारे साल महाप्रसाद करते हैं। इस साल महाप्रसाद का तो योग है नहीं, इसलिए उसी चीज़ को लेके हमने कोविड को मद्देनजर रखते हुए हम जो पूरे एरिया के हमने यूथ है, हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों को थोड़ा एक टाइम का उनका खाने का थोड़ा आधार हो जाए, इसके हिसाब से हम लोग उनको ये प्रोवाइड करने की हमने सबने इनिशिएटिव ली। तो ये मैं बता सकते हो कितने पैकेट बना रहे हो आप, क्या क्या कर रहे हो? हम लोगों का टारगेट 200 पैकेट का है फिलहाल। ओके, तो देखो जैसे कि आप सब देख सकते हो अभी फर्स्ट प्रोसेस चालू है, अभी पूरे पैकेट बन रहे। तो इधर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 कार्टन भर के अभी पैकेट बन चुके हैं और बाकी बनना चालू है। तो अब पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो चुके हैं, इसे वैन में भरा जा रहा है पैकेट्स को। और आज डिस्ट्रीब्यूट करने में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी दोपहर के 12 बजे और ये पीक टाइम है धूप का। ये देखो सूरज मामा जो है एकदम बरस रहे हैं हमारे ऊपर। करंटली अभी का जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 41 डिग्री होगा, तो इतने डिग्री में बाहर जाना ये भी बहुत बड़ा काम है। सो ये सब एनर्जी आती है कुछ एक अच्छा काम करने से, किसी का अच्छा सोचने से, एंड इवन आप लोग भी वीडियो को व्यू करते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो अब चलते सीधा डिस्ट्रीब्यूट करने। चलिए जैसे कि आप सबने देखा हम लोगों ने सब प्रिकॉशन ले लिए, डबल मास्क पहन चुके हैं, ग्लव्स है, सैनिटाइजर, आज की चीज में ये सब चीज जरूरी है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है इसका। आपको नहीं पता आपके आजू बाजू कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो मास्क और डबल मास्क और ग्लव्स ज़रूरी है। चलो चलते हैं। हम लोग हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये गाड़ी देख ली और सामान उतर रहा है और जा रहे अंदर।
इनसाइड कोविड वार्ड, जो अंदर का था वो कोविड वार्ड था, वहाँ हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी दिखी और सबको एक ही होप थी कि जल्द से जल्द रिकवर होकर घर चले जाए, तो हम भी प्रार्थना करते तो सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। और डबल मास्क ट्रिपल मास्क पहन लिया ज़रूरी है। अभी हम लोग थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अब हम जा रहे हैं दूसरे कोविड सेंटर की जगह जहाँ पर दूसरा कोविड सेंटर है उधर, तो चलिए चलते हैं दूसरी जगह। हमारी ये है दूसरी जगह, ये स्कूल की जगह है, वैसे तो ये पूरा स्कूल का कैंपस है लेकिन इस जगह पे कोविड वार्ड सेटअप किया हुआ है, तो अब इधर जाएंगे। स्कूल शहर से 100 साल पुरानी स्कूल है, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई स्कूल है लेकिन अब कोविड वार्ड बना चुका है क्योंकि बेड्स की कमी थी, तो अब हम आए इस जगह पर, इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया कैसा लग रहा है हालत? ये देखो, ये चीज़ ऐसी है जो जितना किए उतना कम है, वो बात अभी कंडीशन देश की ऐसी कि तुम जितना करोगे उतना कम है। ये हमारे तरफ से एक इतना इनिशिएट था कि हम लोग पहले अन्नदान कर लेते थे, अभी कंडीशन नहीं है करके हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, जिससे हमसे अगर 0.1% भी लोगों ने हमारा देख के 20 लोगों को भी कुछ कर दिए ना, तो हमारा सफल हो जाएगा। महाप्रसाद जो भगवान के नाम पर हम कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि थोड़ा सा लोगों ने इनिशिएटिव करके थोड़ा सा मदद करनी चाहिए कोविड लोगों की, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, सो नाउ ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 150 बैग्स जो हम दे चुके हैं। दिस वाज द स्कूल जहाँ पर एक कोविड सेंटर सेटअप किया गया था। इवन इंटरनली जो पेशेंट है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, उनकी रिकवरी रेट भी काफ़ी दिख रही है, सो दैट्स पॉजिटिव साइन। तो देखो भैया, बात ऐसी है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना तो एक लोगों के चेहरे पर ना एक अलग सी स्माइल आ चुकी थी, कोई स्माइल आ चुकी थी, तो वो स्माइल को देखने के लिए तरस गए थे काफ़ी ज़्यादा लोग, एक काफ़ी एनर्जी। एंड इवन हमको भी रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी केयर होती अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आपने भी विजुअल में देखा। सो वी रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोग थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, कुछ भी हेल्प कर दे अपने तरीके से, चलो भाई हेल्प करने में क्या आता है, अच्छा ही है। आप अच्छों का सोचो, लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे, सिंपल, दैट्स इट। और अब चलते हैं तीसरी जगह। तो ये है थर्ड कोविड वार्ड जो कि एज अ सेटअप बनाया हुआ है, तो अब हम लोग इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ये सब चीज़ें, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो सर, थैंक यू, डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, थैंक यू। सो दिस इज़ अनदर कोविड वार्ड जो कि सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इधर हम अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोविड का बढ़ा हुआ है इधर, सो हमने बाहर दे दिया एंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस इज़ अनदर, सो दिस इज़ एंड फॉर द थिंग। अब घर जाएंगे, सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे और फिर बाद में करते चर्चा। तो ये देखो, ओह, चलो सैनिटाइज पार्टी, सैनिटाइज पार्टी। देखो एक बार सब अपने लिए तालियां बजाओ, एक बार तालियां तालियां बजाओ। वेल डन, वेल डन, बढ़िया काम किए, बहुत बढ़िया, ऐसा करते रहना चाहिए।